दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे सोमवार के वीडियो में। आज हर सोमवार को ये वीडियो लेके आपके बीच में पेश होता हूं और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या है। हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, आप चाहे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से बिलोंग करते हो, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो प्रोडक्ट है हमारा, और उस प्रोडक्ट के विषय में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों बने रहिएगा, जो भी 15, 17, 20 मिनट का वीडियो बने, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। चाहे आप पुराने एजेंट हो, चाहे आप नए एजेंट हो, लेकिन कुछ नई बातें आज आपको जानने को जरूर मिलेगी यहां पर। सो बने रहिएगा एंड तक, और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छी कमेंट करना, राइट। जो पॉइंट है वो पॉइंट के बारे में आप जरूर डिस्कशन कर सकते हैं। और एक चीज है कि आपने अब तक अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अभी कुछ माहिती भी दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंस अनाउंसमेंट करूंगा मेरे YouTube चैनल को लेके, सो बने रहिएगा। सो शुरू करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। दोस्तों कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस व्यक्ति को हम लोग एक्चुरी कहते हैं। एक्चुरी का काम होता है प्रोडक्ट की डिजाइन करना, प्रोडक्ट को बनाना और प्रोडक्ट को मार्केट की जरूरत के हिसाब से उसको बना के आप लोगों के सामने पेश करना। और फिर हम, मतलब ऑल इंश्योरेंस एजेंट कम्युनिटी, हम सब मिलके उस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट के अंदर में लॉन्च करते हैं। अभी कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, तो एक बात समझ लेना कि हर प्रोडक्ट कभी भी 130 करोड़ का, अगर इंडिया का पॉपुलेशन है तो 130 करोड़ के लिए कभी वो प्रोडक्ट नहीं होता है। हर प्रोडक्ट को एक्चुअली एक पर्टिकुलर नीड्स को और पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर सेगमेंट को ध्यान में रख के वो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। कई बार मैं देखा हूं कि जब भी कोई नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती है किसी भी कंपनी में, ऐसा होता होगा राइट, तो कुछ एजेंट मिलके फिर उसका एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। और एनालिसिस क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ये प्रोडक्ट में ऐसा है, ये प्रोडक्ट में वैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। दोस्तों एक बात समझ लेना, अगर कोई एक्चुअली ने, बहुत ही समझदार इंसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, अगर उसने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो बहुत ही गहरी सोच के बाद वो प्रोडक्ट उसने इंश्योरेंस कंपनी को बना के दिया है। इट्स नॉट सो इजी प्रोडक्ट को निकालना, जरा सोच के देखो कि एज वाइज प्रीमियम अलग होता है, डिफरेंस होता है, अलग अलग टर्म होती है, अलग अलग ईयर्स तक वो बीमे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। सो बड़ी जहमत के बाद जब कोई प्रोडक्ट बना के अगर उसने लॉन्च किया है तो डेफिनेटली उसके माइंड में, मैं कई बार मेरे क्लास के अंदर में बताता हूँ कि आपको जब भी कोई नया प्रोडक्ट आए तो उसकी स्टडी करो, अगर उसकी स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किसके लिए बनाया है। ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सोच, एक्चुरियल की सोच हर इंश्योरेंस एजेंट ने डेवलप करनी चाहिए। स्टडी नहीं बोल रहा हूं मैं, स्टडी तो बहुत खतरनाक स्टडी होती है, लेकिन हाँ वो सोच हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि बीच में हमारा वन डे का एक सेशन हो गया 31 मई को, जिसके अंदर में हम सारे लीडर ने एक एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। ऑफ कोर्स हम लोग LIC से बिलोंग करते तो LIC प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया और हमने समझाया कि एक एक प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो उसके अंदर में देखो एक चीज़ है कि जीवन आनंद पॉलिसी है। अभी जीवन आनंद पॉलिसी जिसको हम क्या बोलते हैं कि कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसके फीचर्स होते हैं, उसके बेनिफिट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। जीवन आनंद पॉलिसी के फीचर्स क्या है, आज अगर पॉलिसी ली, 20 साल की टर्म ली, 20 साल के बाद अगर कुछ नहीं हुआ मैच्योरिटी मिलेगी और 20 साल के बाद अगेन इक्वल सम एश्योर जो है वो लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। तो ये जीवन आनंद का यूनिक फीचर है। अच्छा, अभी इतना समझने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रोडक्ट किसको बेचना चाहिए, किसको नहीं बेचना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हम कोई भी प्रोडक्ट आता है बगैर सोचे समझे हर जन को बेचना हम लोग शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से जीवन आनंद प्रोडक्ट है वो कहीं पर भी जो कोई नशा कर रहा है, कोई दारू पी रहा है, एक्सेस मात्रा की यहाँ पर बात है राइट, कोई एक्सेस मात्रा में स्मोकिंग कर रहा है, तो ऐसे इंसान के दुनिया छोड़ के जाने के चांसेस ज़्यादा है।
तो सोचिए अगर आपने 20 साल 25 साल का टर्म अगर उसको बेचा है और अगर बीच में ही वो दुनिया छोड़ के चला जाता है तो उसको सेकंड मैच्योरिटी का तो लाभ होना नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर में हमने ये प्रोडक्ट जो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, अच्छी लाइफस्टाइल रखने वाले लोग हैं उनको हमने ये प्रोडक्ट बेचना चाहिए। मेरे एक लाइव सेशन के अंदर भी मैंने इस चीज़ को विस्तार से मैंने बताया हुआ था। तो प्रोडक्ट की समझ अगर होगी ना, लेकिन मैंने देखा है कि जब मैं ये चीज़ें बताता हूँ तो बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट मुंडी इलाके बोलते हैं कि नहीं सर बात तो सही है। आज तक हमने क्या है, जीवन आनंद जो सामने आया हमको मालूम है कि वो पान चबाता है 2400 घंटे मुंह में पान है और तम्बाकू मसाला वाला पान खाता है, उसको कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, उनको भी हम जीवन आनंद बेच के आए हैं। तो एक चीज़ समझ लेना, देखो ऐसा नहीं है कि इनका मतलब इन लोगों को बीमा नहीं बेचना है, इनको बीमा बेचना है, लेकिन एंडोमेंट प्लान है, एंडोमेंट प्लान है तो प्रीमियम भी कम आएगा, उसको बोनस भी अच्छा खासा उसको मिलेगा। बीच के टर्म में अगर छोड़ के दुनिया छोड़ के चला गया तो जीवन आनंद से कम प्रीमियम में उसको बेनिफिट। ये सब स्टडी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें क्या करना है मालूम है, प्रोडक्ट की गहरी समझ, बहुत ही डीप नॉलेज हम लोगों को लेना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट को इस तरह से अपने को समझना है। जिस भी कंपनी से बिलोंग करते हो, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सारे प्रोडक्ट्स जो है अच्छे से उसको समझ लो। देखो क्या होता है मालूम है, ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं क्या बोलता हूँ, जैसे हम खाना खाते हैं ना तो सब तरह के टेस्ट हमें चाहिए। हमें टेस्ट कौन सा चाहिए, मीठा अच्छा लगता है, तीखा अच्छा लगता है, खारा अच्छा लगता है, खट्टा अच्छा लगता है, कड़वा अच्छा लगता है, अच्छा मतलब टेस्ट है। तो ये टेस्ट कई बार हम लोग खाते हैं, जरूरी है, करेला हम लोग खाते हैं, राइट, सभी लोग खाते हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद है, बट ये टेस्ट होते हैं। अब सब तरह के टेस्ट होते हैं, अब सब तरह के जैसे टेस्ट होते हैं ना उसी तरह से सब तरह के लोग हैं मार्केट के अंदर में, और उसके मुताबिक हमें अलग अलग प्रोडक्ट को लेके उनके सामने जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या है मालूम है, कोई दुकान है, अगर उस दुकान के अंदर में अगर प्रोडक्ट कम दिखेंगे आप देखना उस दुकान में कभी अंदर जाओगे नहीं। हम लोग मॉल में क्यों जाते हैं बताओ मेरे को, बिकॉज कई सारे प्रोडक्ट, रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड रेंज ऑफ शॉप्स एंड एवरीथिंग, जो चाहिए मेरे को वो सारी चीजें मेरे को अंडर वन रूफ मेरे को मिल जाती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉल। तो एग्जैक्टली उसी तरह से हमारी कंपनी ने भी क्या किया है, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग रेंज के अलग अलग लोगों के लिए रखे गए हैं, और उस हिसाब से स्वादानुसार, जैसे हम लोग कहते हैं ना स्वादानुसार, हमें उसको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी पसंद आती है या उसको जो चीज़ की ज़रूरत है उसके मुताबिक हम अपना प्रोडक्ट बना के उसके सामने रख सकते हैं। कई बार मैंने सुना है कुछ सक्सेसफुल एजेंट है और वो लोग क्या कहते हैं मालूम है कि मैं तो फलाना प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ। इसका मतलब देखो क्या उसकी कंपनी ने दूसरे जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं वो सारे प्रोडक्ट गलत बनाए हैं? क्या उसकी कंपनी का एक्चुअली मूर्ख है कि तुम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हो? देखो कभी भी किसी को भी आप सुनो, लेकिन क्या है वो आदमी क्या कहना चाहता है ना वो पूरी तरह से आप कभी समझ नहीं पाएंगे हम लोग। शायद उसका ये कहना है कि उसका जो ग्रुप है, वो जिस ग्रुप में घूमता है, वो जिस ग्रुप में काम करता है, उस ग्रुप के अंदर ये एक ही प्रोडक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि सूटेबल है, ये उसने एनालिसिस किया हुआ है। लेकिन जो आम एजेंट बैठे हैं जो उसको सुन रहे हैं, वो एजेंट गलत मैसेज ले लेते हैं कि सारे प्रोडक्ट में से ये एक ही प्रोडक्ट सच्चा है, क्योंकि ये फलाना सक्सेसफुल एजेंट अगर ये एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है मतलब बाकी के सारे प्रोडक्ट खराब है। याद रखना कभी भी कोई प्रोडक्ट कंपनी खराब नहीं बनाती, जरूरत के हिसाब से हमने गलत जगह पे गलत प्रोडक्ट अगर दे दिया तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जैसे कि किसी भी मेडिकल स्टोर में आप जाओ, या तो मेडिकल स्टोर के मालिक को पूछो या किसी भी डॉक्टर को जाके पूछो कि डॉक्टर साहब मेडिकल स्टोर में मैंने देखा 500 700 या 1000 2000 अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं, कौन सी अच्छी वाली? किसी भी मेडिकल स्टोर के मालिक को जाके पूछो, ये पांच, ये जो 1000 2000 आप गोलियां लेके बैठे हो, अलग अलग प्रोडक्ट लेके बैठे हो, कौन सा बेस्ट में बेस्ट गोली कौन सा है? हंस के क्या जवाब देगा? यस, आप जो मन में जवाब दे रहे हो वही जवाब वो भी देगा। बोले मर मूर्ख इंसान, सारी दवाइयां अच्छी है, बेस्ट है,
लेकिन सामने वाले को बीमारी कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली इंश्योरेंस के अंदर भी हमारे जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये भी अलग अलग रेंज के बनाए हैं, अलग अलग लोगों की जरूरत के हिसाब से हमें वो प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है और उसके सामने अपने को रखना है। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले ना एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ दोस्तों। इसी हफ्ते में मतलब सैटरडे एंड संडे को 27 और 28 को, देखो ये सब लेंथी बात है, ये सब ऐसा नहीं है कि मैं 10-15-20 मिनट के वीडियो के अंदर मैं आपको समझा दूँ सारी की सारी, समझ में आपको दे दूँ। हाँ, कुछ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। 27 और 28 जून को मैं, हिरेन त्रिवेदी और अमोल शर्मा, हम तीनों, दो दिन का सेशन है, 3-3 घंटे के, दो स्लॉट पर डे, राइट। सो 9 to 12, 3 to 6, इसी तरह से 27 को और इसी तरह से 28 को, ये दो दिन के अंदर में 12 घंटे के अंदर हम आपको अलग अलग प्रोडक्ट, नो डाउट अबाउट LIC होगा, जो भी, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो एजेंट है उसी को पार्टिसिपेट कीजिए, राइट। प्राइवेट कंपनी के आप एजेंट हो तो ये प्रोग्राम आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ LIC के प्रोडक्ट का एनालिसिस हम लोग वहां पर बताने वाले आपको, डिफरेंट एनालिसिस, अलग अलग प्रोडक्ट को मिक्स करके हम लोग जरूरत के हिसाब से, स्वादानुसार, जैसे मैंने कहा कैसे हम लोगों के सामने पेस्ट कर सकते हैं। भेल बनाते ना, भेल आपने देखा होगा, भेल अभी एक बार क्या हो गया मालूम है, एक सेमिनार के अंदर करीब 600-700 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, दामोदर हॉल ऑडिटोरियम जो है हमारा मुंबई का, और वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, और उस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक यही इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बेल की दुकान में हम जाते हैं, बेल की दुकान में क्या करता है वो, कुरमुरा 20 रुपये में ये बड़ा साइज का पैकेट आता है, अब 20-30 रुपये का पूरा पैकेट लेके आता है। अभी वो पैकेट में से वो कितना करता है, इतना सा कुरमुरा लेता है, दो बार इतना सा लेगा, उसके बाद में स्वादानुसार उसके अंदर में तीखा चटनी, मीठा चटनी, थोड़ा आलू डालेगा, प्याज डालेगा, टमाटर डालेगा, और उसके बाद में उसको हिलाएगा, हिला के पेस्ट करेगा, प्लेट के अंदर में डालेगा, उसके ऊपर थोड़े सेव डालेगा, और हमें अंदर एक दो पूरी डाल के हमको पेश करता है। और कितना लेता है वो, 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये, सोचो कितना कुरमुरा लिया, इतना सा कुरमुरा लिया, लेकिन उसने एक बढ़िया सा टेस्ट बना के हमारे स्वाद के हिसाब से पूछता भी है ना, साहब तीखा ज़्यादा चाहिए क्या, साहब लहसुन वाला चटनी चलेगा क्या, सर कौन सा चटनी ज़्यादा डालूँ, अकॉर्डिंगली अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने को जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बना के हमको देता है, बड़ा अच्छा लगता है हमें। हमें भी इसी तरह से पार्टी के साथ एनालिसिस कैसे करना, ये दो दिन के अंदर में हम तीनों लीडर मिल के आपको इस चीज़ को बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। अभी ये बात मैंने जो सेमिनार में वो दामोदर हॉल में की थी, बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर एजेंट दोस्तों को भेजते हैं, एक डेवलपमेंट ऑफिसर के करीब 20 एजेंट उन्होंने भेजे थे, उनका फ़ोन आ गया मेरे को, बोलते हैं मुकेश भाई कल क्या क्लास चलाया आपने, मैंने कहा सर क्या क्यों हो गया, क्यों क्या हो गया, काफ़ी सालों से मेरे को जानते हैं, हंस के मेरे को बोल रहे हैं मुकेश भाई आपने कुछ भेल के बारे में बताया था, मैंने कहा हाँ बताया था, मैंने इस तरह से बताया था, बोले मुकेश भाई 5-7 एजेंट तो अच्छा सुन के आए, आपको आपका फीडबैक भी दिया, बड़ा मज़ेदार क्लास लिया मुकेश सर ने, और मुकेश सर क्लास लेते बिल्कुल बोरियत नहीं होती है, और कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता, हाँ लेकिन क्या है एक फीडबैक देना था, उसमें से एक एजेंट, 20 एजेंट आए थे ना, उसमें से एक एजेंट मेरे पास आके बोलता है मैं मेरे इलाके के अंदर एक दुकान ढूंढ रहा हूँ और मैं भेल की दुकान खोलूंगा, क्योंकि मुकेश सर ने बताया है 20 रुपये का भेल का पैकेट में से वो 1000-2000 रुपया बनाता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, लोग सुनते क्या है, लोग समझते क्या है, कभी ऐसे मजाक हो जाता है, तो ऐसा मत करना। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो मैं सिर्फ संदर्भ देता हूँ, कोई भेल की दुकान खोलने की हमें जरूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है, राइट। सो कभी भी कोई एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस मत करो, सारे प्रोडक्ट्स, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर कोई किसी बाप को 4-5 बच्चे हैं, आप उसको पूछो कौन सा बच्चा अच्छा, क्या कहेगा, सारे बच्चे अच्छे हैं, मेरे हैं, अपने हैं, बस उसी तरह से हमारे सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, खाली कमी अगर कोई है तो किस चीज़ की कमी है, समझ की कमी है। अगर हम उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद लोगों के सामने अगर हम रखें,
जैसे स्वादानुसार उनके सामने पेश करें, सभी को अच्छा लगता है। दोस्तों कल मेरा जो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार प्रेजेंटेशन रहा कि हमारे इंश्योरेंस एजेंट भाइयों के लिए, एक जो सॉफ्टवेयर है उसके विषय में मैंने बहुत ही बढ़िया 1.25 घंटे का कुछ प्रोग्राम हुआ था और लोगों ने बहुत सराहा था उसको। तो और मंडे का वीडियो तो ऑफकोर्स आपके बीच में रहेगा, और हमारे जो भी अपकमिंग प्रोग्राम है ज़रूर उसका बेनिफिट लीजिए। दोस्तों मेरी दृष्टि बुक है, जो बुक में 51 मैंने कॉन्सेप्चुअल सेलिंग लिखा है, ये कोई भी एजेंट ले सकता है, किसी भी कंपनी का एजेंट ले सकता है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट की बात नहीं है। देखो सबसे पहले क्या होता है मालूम है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फिर प्रोडक्ट की चर्चा होती है। तो 27/28 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट की चर्चा होगी। दोस्तों जरा सोचो, मैं इसमें एक जवाब आपको देने वाला हूँ कि 100 ईयर्स का टर्म प्लान आज बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने बनाया है, लेकिन हमारी LIC के पास नहीं है। बट कैसे हम पेश कर सकते हैं, मैंने जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया है कि हम किस तरह से 100 ईयर्स का टर्म प्लान हम लोग बेच सकते हैं, राइट। अपने खजाने में क्या है मालूम है, क्या करना क्या पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी कुछ बेस प्लान बनाती है, जैसे बेस प्लान जैसे एंडोमेंट बनाती है, मनी बैक प्लान बनाएगी, होल लाइफ प्लान बनाएगी, यूलिप प्रोडक्ट बनाएगी, राइट। सो अलग अलग चिल्ड्रंस के बच्चों के प्लान बनाएगी, ये सब पिलर्स है। अब ये पिलर्स को टोटल ऐसे 8 से 9 पिलर्स है, हेल्थ प्रोडक्ट बनाएगी, ऐसे पिलर्स को पार्टी की जरूरत के हिसाब से कैसे कॉम्बिनेशन बनाना, ये 2 दिन का ये वर्कशॉप के अंदर में मैं आपको डिटेल में, मैं अमोल भाई और हिरेन भाई हम तीनों मिलके आपको पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे कम से कम 20 से 25 कॉम्बिनेशन हम लोग उसके अंदर में देने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। मेरा बुक मैंने बताया दृष्टि बुक है, जिसका ऑडियो वीडियो वर्जन है, आप जरूर उसको लीजिए और उसका बेनिफिट उठाइए। कॉन्सेप्ट है 51 कॉन्सेप्ट उसके अंदर मैंने डाले हुए हैं। एंड हमारा एक जबरदस्त इनकम मल्टीप्लाई ऐप है दोस्तों, मिस बिल्कुल मत कीजिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों की सुविधा के लिए बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबके मेरे को मैसेज आते हैं कि मुकेश भाई आपकी दृष्टि बुक का फलाने कॉन्सेप्ट से मेरा इतना प्रीमियम बिका, आपकी इनकम मल्टीप्लाई ऐप में फलाने भाई साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके हिसाब से सर मेरा 1 करोड़ का समेश्वर बिका। तो ऐसी बातें सुन के अच्छा लगता है। अभी एक शानदार हमारा बेसिक कोर्स हो गया, ऑलरेडी हो गया, अगर आपने नहीं किया तो आपने यू हैव मिस्ड अ लॉट, अगर आपने बेसिक कोर्स नहीं किया तो। दोस्तों 2000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये प्रोग्राम इतना सुपर हिट हुआ, इतने 2 out of 2000 नॉट अ सिंगल एजेंट जिसने ये लिखा हो या ये कमेंट किया हो कि सर मजा नहीं आया, इट्स रियली फैंटास्टिक सेशन हुआ। ऑनलाइन सेशन फर्स्ट टाइम मैंने लिया, बेसिक कोर्स तो अब तक 630 चला चुका हूं, लेकिन 631वां मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ। और उस प्रोग्राम के अंदर में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उनकी डिमांड थी कि एडवांस कोर्स सर ऑनलाइन जल्द से जल्द रखो, एंड वी हैव डिसाइडेड 11 और 12 तारीख को, 11 तारीख को वन डे का रिबेट सेशन है, रिबेट कोर्स की अलग फीस है, वो भी करना चाहते हो कर सकते हो। 12 तारीख से एडवांस कोर्स का पहला दिन शुरू हो रहा है, पूरा 3 महीने का मॉड्यूल है, जिन्होंने बेसिक किया उनको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया सब्जेक्ट बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के ऊपर भी डिमांड है, तो हमारे हिरेन भाई का 18-19 जुलाई के दिन में सोशल मीडिया के ऊपर कैसे यूज किया जा सकता है, ट्विटर को कैसे यूज करें, किस तरह से हम लोग लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम फेसबुक को यूज कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक लेके हिरेन भाई आएंगे 2 दिन का प्रोग्राम 18-19 तारीख को। तो ये जो अपकमिंग जितने भी प्रोग्राम्स है उसमें से जो अच्छे लगे वो आप अटेंड कर सकते हैं। आई विल नॉट से कि सारे के सारे प्रोग्राम आप कीजिए, करें तो भगवान आपको ताकत दे, सीखेंगे जितना उतना हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बिंग विथ अस, एंड जो कुछ आज मैंने बताया उसके ऊपर गहरी सोच कीजिए, और किसी भी प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को कभी भी आज के बाद बुरा है ये कहने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा स्टडी कीजिए, समझिए, हर ग्रुप के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग रेंज के हिसाब से हमारे एक्चुअली बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।